Everyone, welcome back. So, in this video, we are going to see what are the details required to participate in the JCC counseling and when the counseling takes place and what are the colleges that participate in the counseling. So, एकदम डिटेल में देखेंगे वीडियो को आखिरी तक देखना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर आप दिस ईयर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो जेसीसी काउंसलिंग में, बिकॉज इसके बाद कॉलेज रिव्यू की वीडियो आने वाली है जीईसी पलामू की, आरबीएस कॉलेज की, रामगढ़ चायबासा, बीआईटी सिंदरी की भी आएगी कॉलेज रिव्यू की वीडियो, और कितनी कट ऑफ जाती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है टू पार्टिसिपेट इन द जेसीसी काउंसलिंग, किस कॉलेज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो सब बताया जाएगा. तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को आखिरी तक देखना. तो इससे अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कॉलेजेस क्या क्या हैं जो जेसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. देखो, पहला तो आता है कि ये फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि अपना बीआईटी सिंदरी हो गया, जीसी पलामू हो गया, तो ये फुल्ली गवर्नमेंट है, मतलब ये फुल्ली फंडेड है गवर्नमेंट के द्वारा और इसकी फीस भी कम है, कट ऑफ भी अच्छा खासा जाता है. लाइक बीआईटी सिंदरी के लिए अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए, कोई भी मतलब लोअर ब्रांच भी चाहिए, तो मोर देन 93% यू शुड कीप दिस ईयर इन जेई मेंस. और जीसी पलामू के लिए अगर वहां कंप्यूटर साइंस चाहिए और यू आर ए जनरल कैंडिडेट, तो आपको 75% के ऊपर लाना होगा. बाकी सब ब्रांच तो मिल जाएगी आपको 40, 50, 60% पे, बट कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 75% के ऊपर लाना होगा फॉर जीसी पलामू. इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो आने वाली है कॉलेज रिव्यू के ऊपर. और अदर पीपी कॉलेज, मतलब प्राइवेट पार्टनरशिप जो होता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉलेज, तो वो है रामगढ़, दुमका, चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज. इन कॉलेज की भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ उनकी प्लेसमेंट्स की, क्योंकि प्लेसमेंट्स की इन कॉलेज की वीडियो नेट पे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, मेरे चैनल पे आने वाली है. तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द जेसीसी काउंसलिंग. ठीक है, एक प्लेलिस्ट पूरा आने वाला है इस कॉलेजेस के ऊपर. और जैसे अपना प्राइवेट हो गया, प्राइवेट कॉलेज जो होता है, जैसे आरबीएस कॉलेज जमशेदपुर में है, कैम्ब्रिज रांची में, सीआईटी रांची, अर्का जैन जमशेदपुर में, बीए कॉलेजेस ऑफ इंजीनियरिंग और भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो ये सब के ऊपर भी वीडियो आएगी. तो दीज आर द कॉलेजेस दैट डू पार्टिसिपेट. अब देखने की बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट बात ये है कि मोस्ट कैंडिडेट्स जो जेसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं वो किस कॉलेज के लिए करते हैं, बीआईटी सिंदरी के लिए, और अगर ये ना मिले तो जीईसी पलामू के लिए, क्योंकि इसकी फीस भी कम है, प्लेसमेंट भी अच्छी खासी हो जाती है और इन्वायरमेंट भी ठीक है, मतलब ये कंपिटेटिव इन्वायरमेंट है, ठीक है. तो इसी कॉलेज के लिए मोस्ट कैंडिडेट जेसीसी फिलअप करते हैं. तो अगर आप इस कॉलेज के लिए फिलअप कर रहे हो तो कीप इन माइंड कि आपका जेई मेंस में 93% के ऊपर आना चाहिए, ठीक है, तभी आपको कोई ना कोई ब्रांच मिलेगी. और इफ यू ओनली वॉन्ट कंप्यूटर साइंस और आईटी, तब आपको जेई मेंस में 96% के ऊपर रखना होगा फॉर जनरल कैंडिडेट. और वेन एंड हाउ टू अप्लाई इन द काउंसलिंग, तो जनरली द काउंसलिंग टेक्स प्लेस अ मंथ आफ्टर जेई एडवांस रिजल्ट. तो जब भी आपका जैसे जेई एडवांस का रिजल्ट आता है जुलाई में, तो उसके 1-1.5 महीना बाद काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है जेसीसी की. फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक बीआईटी सिंदरी, यू नीड टू बी अ रेसिडेंट ऑफ झारखंड टू अप्लाई. आपके पास एलआरसी होना चाहिए, लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, तभी आपको बीआईटी सिंदरी में एडमिशन मिलेगा. ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं एलआरसी को, मुझे याद नहीं है, पर एक होता है ग्रीन कलर का बन के आता है सर्टिफिकेट टाइप का, यू दैट यू मस्ट हैव लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा. एंड यू मस्ट हैव वैलिड जेई मेन्स स्कोर टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग. आप जेई मेन्स में भले 10% क्यों ना लाओ, पर आपके पास एक स्कोर होना चाहिए जेई मेन्स में, ताकि आप फॉर्म फिलअप करने टाइम जेसीसी काउंसलिंग का उसमें अपना स्कोर डाल पाओ, तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे. ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स मैंने बोल रखा है, जिन्होंने भी एलआरसी नहीं बनाया है, बना लो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ झारखंड, अभी भी टाइम है, 5 महीना है हाथ में, बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो नहीं रहेगा तो ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने में आपको दिक्कत आ सकती है. और अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हो लाइक ओबीसी और एससीएसटी, तो कास्ट सर्टिफिकेट तो मस्ट है, होना ही चाहिए. इफ यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस, देन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यू शुड हैव. और इफ यू आर अप्लाइंग फॉर टीएफडब्ल्यू, दैट इज टोटल फी वेवियर, तो आपके पास वो इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जैसे पापा की इनकम 1 लाख के कम होनी ही चाहिए वो सर्टिफिकेट आपके पास. तो दैट आर ऑल द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड. देखो यार, इस चैनल पे झारखंड में जितने भी कॉलेजेस हैं एनएसयू, उसमें कौन कौन सी कोर्स होती है, अर्का जैन, आरवीएस,
रामगढ़, दुमका, चाईबासा, जीसी, प्लामू, सबकी कॉलेज रिव्यू आने वाली है, सबकी कट ऑफ, सबकी प्लेसमेंट फॉर डिफरेंट कोर्सेज। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, ताकि आपका कोई भी अब इस चैनल का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना होने पाए।